किसान भाइयों राम राम। मैं प्रवीण शुक्ला अपने YouTube चैनल कंप्लीट एग्री सॉल्यूशन में आप सभी किसान भाइयों और बहनों का हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, आज हम एक ऐसी तिलहन फसल के बारे में बात करेंगे कि तेल का यूज खाने के लिए तथा इसके बहुत सारे औषधि निर्माण के लिए भी किया जाता है। साथ ही साथ इसके दानों में बहुत सारी ट्रेंड पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, चलिए समझते हैं कि इसके बीज या तेल में क्या क्या विशेषताएं रहती हैं, हम विस्तार से समझते हैं। इसके सीड या तेल में प्रोटीन की मात्रा 20% पाई जाती है और यह ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है। किसान भाइयों, अगर किसी किसान भाइयों को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ये उसके लिए भी इसके बीज या तेल का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद है। किसान भाइयों, इसमें फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है, साथ ही साथ इसमें मैग्नीशियम और जिंक की मात्रा भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो किसान भाइयों, अगर किसी को डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उसके लिए ये बहुत ही उपयोगी है और उसके लिए रामबाण से कम नहीं है। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, चलिए इसकी खेती के बारे में विस्तार से समझते हैं कि इसकी खेती कैसे और किस हिसाब से की जाती है। कहते नमस्ते। पहले तो सबसे पहले मैं प्रवीण शुक्ला जी अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। मैं प्रवीण शुक्ला जी अपने YouTube चैनल कंप्लीट एग्री सॉल्यूशन में जी आपका स्वागत करता हूँ जी। मैं एक्चुअली यहाँ से निकल रहा था जी, तो आपका ये फसल देखा जी, तो मन में जिज्ञासा हुई क्योंकि इससे पहले मैंने ये फसल देखी नहीं थी जी, है ना। मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ जी। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या चीज़ का, इसका नाम क्या है? जटंगी। क्या नाम है? जटंगी। जटंगी, जटंगी गुंजा बोलते हैं। गुंजा बोलते हैं जी। तो इसको किसके लिए आप लगाते हैं? तेल, तेल निकलता है। तेल निकलता जी, है जी। इसे तेल, इसको पेड़ के तेल निकालेंगे। पेड़ के इसको तेल निकालेंगे। तेल निकालेंगे। अच्छा जी। तो इसको तेल खाने के लिए यूज करते हैं जी? खाने के लिए यूज करते हैं। अच्छा, जैसे सरसों का तेल है, मूंगफली का तेल है, उसी टाइप से यूज करते हैं जी। उससे अच्छा होता है तेल इसका कि वही टाइप के रहता है? उसी टाइप के रहता है, थोड़ा सा कम बेसी। अच्छा अच्छा, तो आप सरसों क्यों नहीं लगाते फिर? सरसों लगाते हैं ना, घर में लगाए हैं। अच्छा, तो ये जो फसल आप लगाए हैं जी, ये आपको घर का बीज है कि मार्केट में मिल जाता है? घर का बीज है ये। ये घर का बीज है? घर का बीज है। मार्केट में मिलता है इसका बीज? मिलता तो नहीं है, मैं तो नहीं खरीदा हूँ। अच्छा, मिलता है, मतलब ये देसी 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 किस्म है? हाँ जी, देसी है ना जी। जनरली इससे पहले मैंने ये क्रॉप देखी भी नहीं थी जी, इसलिए मैं आपसे उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना चाहता हूँ। जो हमारे छत्तीसगढ़ के भाई हूँ ठीक है जी, और बाहर के भी अगर करना चाहते हो तो छत्तीसगढ़ में ये तेल की नई प्रजाति है जी। जैसे सरसों का तेल हम लोग खाते हैं ठीक है, अलसी का खाते हैं, मूंगफली का खाते हैं जी, और भी चीजें हैं जिसका तेल निकलता है। तो ये एक नया थोड़ा सा समझ में आ रहा है आपका, है ना, इसका भी तेल आप लोग खाते हैं? खाते हैं, है ना। तेल खाते, तो इसको कब लगाना चाहिए? इसको यही एक महीना पहले। एक महीना पहले लगाए हैं? एक महीना पहले लगाए हैं, अब ये फूल मर रहा है। अच्छा, मतलब कि ये पक रहा है, पकने वाला है? इसमें देखिए पक रहा है। हाँ, ये पकने पक रहा है, पक रहा है। कुछ आपका वो है, दाना है काला काला? हाँ हाँ, ये देखिए दाना। हाँ, काला इसके दाने ऐसे होते हैं जी के दाने साहब, ये दाने दाने है काला। ये दाने को फिर सुखाते होंगे आप? हाँ, सुखाते हैं। हालांकि पकने के बाद तो सूख ही जाएगा, अभी तो कच्चा है ठीक है जी। तो ये लगभग कितने दिन में तैयार हो जाती है, लगाने से कटाई तक? तीन महीना में हो जाती है। अभी इसको कितना टाइम और लगेगा? अभी और दो महीने और लग जाएगा। दो महीने इसको पकने में, पूरा पकने में लग जाएगा। लग जाएगा। तो इसको पानी ओनी कितना चाहिए, क्या चाहिए? पानी ओनी कुछ नहीं। अच्छा जी, बिना पानी का है? बिना पानी का है, बस बिना पानी सूखे। तो ये आपने कब, कौन से महीने में लगाई थी इसको? बस यही कौन महीना है ये? ये तो अभी चल रहा है आपका नवंबर, सितंबर, नवंबर। हाँ, नवंबर लग रहा है, अक्टूबर में।
अक्टूबर में लगाया था, अक्टूबर में, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर मतलब एक डेढ़ महीना अभी हुआ है जी। हाँ, और एक डेढ़ महीने में आपका ये पक जाएगा, तीन महीना आप बोल रहे हैं जी, है ना, उसके बाद इसको कटाई कर लेंगे आप। इसको बस वो बोने समय पानी होना चाहिए, हाल हाँ मतलब जमीन में नमी होनी चाहिए, नमी होना चाहिए, जम जाएगा उसके बाद इसको पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, पानी ये अपने आप उग जाता है, अपने आप, है ना जी। तो इसको मतलब कम से कम इसमें और कुछ खाद बीज की कुछ नहीं, हम लोग खाद कुछ नहीं डालते, खाद वगैरह कुछ नहीं डालते नहीं, तो मतलब शुद्ध है पूरी तरह से, शुद्ध है पूरा, शुद्ध है ये, है ना, कोई भी खाद नहीं डाला आपने, नहीं, कोई पानी नहीं डाला आपने, कुछ नहीं, आपका खाली जुताई का खर्चा बस, कितना हाँ। खर्चा किए होंगे इसमें जुताई का और लगाने में आपका कितना खर्चा हुआ? 1500 करीब, 1500 रुपया, 1500 रुपए में जी आपने इसमें खर्चा किया, खर्चा किया, है ना जी। और अगर मैं बात करूं जी तो क्या रेट में इसका तेल बिकता है? तेल तो हम लोग खरीदे नहीं, हम लोग तो घर ही से, हाँ फिर भी अगर इसको मार्केट बेचेंगे ना मार्केट में तो 60-70 रुपए मिलता है किलो पर, किलो हाँ बेचेंगे इसको, लीटर 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 नहीं 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 किलो, इसका किलो, बीज 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 तो हम लोग नहीं खरीद, बीज नहीं बेचते हैं मैं इसको, दुकान में अभी बेचेंगे चांदो बाजार में तो 60-70 रुपए लेते हैं, 60-70 रुपए लेते हैं, 70 रुपए के जी लेते हैं, हाँ तो व्यापारी लेता है, हाँ, यानी वो समझो 100 रुपए के आसपास ही जाएगा, हाँ, हाँ, ठीक है जी, 70 रुपए भी लेता है तो 10-20 वो अपना मार्जिन लेगा, हाँ, ठीक हाँ, है व्यापारी हाँ, लोकल वाले हैं, ठीक है हाँ, तो उतना मतलब 100 रुपए के आसपास इसका होगा किलो का रेट, किलो का। और ये कितने किलो में कितना तेल निकलता है? 3 किलो में 1 किलो मतलब 300 रुपए लीटर ये तेल मान के चलिए, 3 किलो में 1 किलो तो तेल की मात्रा भी बहुत ज्यादा निकल रही है इसमें, तो वही है ना, 3 किलो में 1 किलो तेल निकल रहा तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है ना, नहीं नहीं 3 किलो में तो सरसों भी है ना, सरसों में कितना निकलता है? वही 3 किलो में 1 किलो, 3 किलो में 1 किलो, 1 किलो सरसों तो ठीक है, सरसों तेल की मात्रा हमारे इसी किस्म है उसके बारे में उस हिसाब से तो बहुत अच्छा आ रहा है, 3 किलो में 1 किलो तेल की मात्रा आपका वही 42-45 के आसपास होगी, इसको बस पकना चाहिए सर, बढ़िया पक जाएगा तो तेल निकलेगा, और इसमें कोई बीमारी वगैरह कुछ आता? कुछ बीमारी नहीं, कोई बीमारी नहीं, कुछ बीमारी, तो लो मेंटेनेंस किसान भाइयों हाँ। अगर आपको ये फसल करनी है, इसका नाम काका एक बार बताइए क्या जटंगी, नाम? जटंगी, जटली, जटंगी गुंजा, जटली गुंजा, जटंगी, 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 हाँ गुंजा, गुंजा, जटंगी, गुंजा शॉर्ट नेम जैसे ब्रैकेट नेम हो गया जी, और ओरिजिनल नेम हो गया जटंगी, 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 हाँ, जो नाम है ना, हाँ, चलिए ठीक है। और इसका इसका सर एक बहुत ही चीज है इसमें क्या बोलते हैं, मेडिसिन भी उपयोग में आता है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा जी, हाँ, क्या मेडिसिन में इसका उपयोग करते हैं बताइए, मेरे को तो पता नहीं है, नहीं, 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 मतलब कोई इलाज वगैरह के लिए भी तेल यूज करते हैं? हाँ, कैच के वही पैर उर फटता है शरीर उरीर में, और गर्मी में तेल लगाइए तो ठंडी आता है। अच्छा, गर्मी में इसका तेल लगाओ तो ठंडा फील होता जी, है पूरा शरीर में। अच्छा अच्छा, और जैसे पैर उर फट रहा है हाँ, उसमें लगाइए तो मुलायम रखता है। अच्छा अच्छा अच्छा, बस यही सब तो हम लोग करते हैं। और सबसे बड़ा चीज है सर इसमें, इसमें मधुमक्खी हाँ, बहुत ज्यादा होते हैं, हाँ, होते हैं, और मधुमक्खी इसी से हाँ, पराग वो रस चूस कर हाँ, और अपने छत्ता हाँ, तक ले जाते हैं, तो मतलब अभी भी आप इस खेत में हाँ, देख सकते हैं मधुमक्खी हाँ, आपको तो नजर आ जाएंगे, उड़ रही है, उड़ रही है, मधुमक्खियों का सबसे प्यारा जी फूल है, सबसे बड़ा वो, उसके लिए अगर किसान भाइयों अगर आप मधुमक्खी पालन कर रहे हैं जी, तो उसके लिए इसकी खेती भी साथ में कर सकते हैं, तो आपको दोनों में मधुमक्खी का शहद भी मिलेगा और आपको तेल भी मिलेगा, है ना, ये दोनों काम हो गए। द्वारका का ये कौन सा गांव है आपका? नवाडी कला, नवाडी कला, हाँ नवाडी कला। और आपका एक बार नाम बताइए पूरा? मेरा नाम आनंद प्रसाद जायसवाल, आनंद प्रसाद जायसवाल, है ना, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है? ये सरगुजा डिस्ट्रिक्ट, सरगुजा लगता है, है ना, बलरामपुर जिला। अच्छा अच्छा, बलरामपुर जिला सरगुजा जी। चलिए जायसवाल जी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, है ना, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। किसान भाइयों जी, ठीक है सर, हमने आपको प्रयास किया है एक नई फसल के बारे में जानकारी देने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।